दोस्तों आज का ये वीडियो आपकी बैटरी हेल्थ के ऊपर है, यानी कि आप अपने स्मार्टफोन को फास्ट चार्ज कैसे कर सकते हो, स्मार्टफोन की बैटरी कैपेसिटी को कैसे इंक्रीज कर सकते हो, और इसी के साथ साथ अगर आपका स्मार्टफोन जो है वो काफ़ी जल्दी जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है तो उस प्रॉब्लम से भी आप कैसे निपट सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। और दोस्तों ये वीडियो एंड्रॉयड और iOS या फिर किसी भी स्मार्टफोन जिसको आप यूज़ कर रहे हो उसके ऊपर काम करता है, तो पढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों इस वीडियो को मैंने दो सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने स्मार्टफोन को प्रॉपरली चार्ज और फास्ट चार्ज कैसे कर सकते हो, और जो सेकंड सेक्शन है वो बैटरी हेल्थ को लेके है कि आप अपने फोन की बैटरी हेल्थ कैसे इंप्रूव कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं फास्ट चार्जिंग की। अगर आप अपने फोन को फास्ट चार्ज करना चाहते हो तो सबसे पहला पॉइंट है कि आप अपने फोन को यूज मत करो, और दूसरी चीज कि अपने फोन को फ्लाइट मोड में डाल दो। फ्लाइट मोड से क्या होता है कि फोन के आधे से ज्यादा फीचर्स ब्लॉक हो जाते हैं, नेटवर्क सिलेक्शन और बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश जैसे फीचर्स बिल्कुल ब्लॉक हो जाते हैं, जिससे फोन की बैटरी कम से कम खर्च होती है और आपकी बैटरी जो है वो ज्यादा से ज्यादा चार्ज होती है। तो किसी लैपटॉप या किसी कंप्यूटर के थ्रू चार्ज नहीं करना चाहिए, आपको ऑलवेज एक वॉल चार्जर का यूज़ करना चाहिए, यानी कि जो हमारे घरों पे या फिर कहीं पे भी हमको चार्जिंग स्टेशंस मिल जाते हैं वहाँ से हमको चार्ज करना चाहिए, क्योंकि वो हमको पावर ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं एज़ कम्पेयर टू एक लैपटॉप और एक कंप्यूटर। और दोस्तों अगर आप अपना फ़ोन फुल स्पीड में चार्ज करना चाहते हो, यानी कि उस फ़ोन की जितनी भी कैपेबिलिटी होगी फुल स्पीड में चार्ज होने की उसमें अगर चार्ज करना चाहते हो, तो सिंपली अपने फ़ोन को चार्जिंग में कनेक्ट करने के बाद और पावर ऑफ कर दीजिए। फ्लाइट मोड में भी काफ़ी सारे एप्लीकेशंस रहते हैं जो काम कर रहे होते हैं। दोस्तों पावर ऑफ कर देने से वो वर्किंग भी एकदम ख़त्म हो जाती है और फ़ोन का पूरा ध्यान सिर्फ चार्जिंग में होता है, जिससे मैक्सिमम कैपेबिलिटी मिलती है आपको फ़ोन चार्ज करने की। अब बात करते हैं कि जब भी हम किसी इमरजेंसी में होते हैं या फिर कहीं आप आउट ऑफ स्टेशन हो और आपको अपना फ़ोन यूज़ भी करना है, या फिर किसी भी रीज़न से आपको अपना फ़ोन चार्ज पे भी लगाना है प्लस आपको यूज़ भी करना है, तो दोस्तों आपको तब अपने फ़ोन के चार्जिंग की कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए ये चीज़ें करनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ कि आपको अपना फ़ोन साइलेंट मोड में डालना चाहिए। साइलेंट मोड के साथ साथ आपका जो वाइब्रेशन है उसको भी डिसेबल कर देना चाहिए, ताकि आपका फ़ोन वाइब्रेट ना करे, क्योंकि वाइब्रेशन में भी बहुत ज़्यादा बैटरी यूज़ करता है आपका स्मार्टफोन। इसी के साथ साथ आप अपने जो नोटिफिकेशंस हैं उनको टर्न ऑफ कर दो, ताकि आपकी जो डिस्प्ले है वो बार बार ऑन ना हो, क्योंकि डिस्प्ले ऑन होने से भी आपका बैटरी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है आपका डिवाइस। और दोस्तों तीसरी एक बहुत ज़रूरी बात कि आपको अपना स्मार्टफोन चार्ज करते समय कवर को ज़रूर रिमूव कर देना चाहिए, क्योंकि जब भी आपका फ़ोन चार्ज होता है तब ये यहाँ से हीट रिलीज करता है और ये हीट कवर के थ्रू यहीं पर रह जाती है, जिससे बैटरी पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। तो दोस्तों आपको हमेशा आपका फ़ोन जो है वो विदाउट कवर चार्ज करना चाहिए। जैसे कंप्यूटर्स और लैपटॉप में फ़ैन लगे हुए रहते हैं डिवाइस को ठंडा करने के लिए, वैसे इसमें तो कुछ भी नहीं लगा रहता है और अपन ऊपर से कवर चढ़ा के इसको और ज़्यादा गर्म करने के लिए छोड़ देते हैं। तो दोस्तों अगर आप अपना कवर रिमूव करके फिर चार्ज करते हो तो आपके फ़ोन की बैटरी हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। और यार ये हेल्थ बैटरी हेल्थ वाला इधर डाल दिया मैंने, चलो कोई बात नहीं। और दोस्तों सिर्फ चार्जिंग में ही नहीं, अगर आप पबजी जैसे या फिर कोई और हाई एंड गेम्स यूज़ कर रहे हो, गेम्स खेल रहे हो, तो तब भी आपको अपने फ़ोन का कवर जो है वो निकाल देना चाहिए, क्योंकि आपके फ़ोन की हीटिंग डबल हो जाती है। अगर आप कवर निकाल के खेलोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा हीटिंग के साथ साथ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको हमेशा ओरिजिनल चार्जर जो उस फ़ोन के साथ मिला हुआ होता है या फिर उसी कंपनी का या फिर किसी और सर्टिफाइड कंपनी का चार्जर ही यूज़ करना चाहिए अपने फ़ोन में। अगर आप कोई लोकल सा चार्जर यूज़ करोगे तो वो आपकी बैटरी को बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकता है। और दोस्तों इसी के साथ साथ अगर आप अपना फ़ोन बहुत फास्टली चार्ज करना चाहते हो तो आप किसी भी वायरलेस चार्जर को यूज़ मत करना, क्योंकि वायरलेस चार्जर बहुत स्लो चार्ज करते हैं एज़ कम्पेयर टू केबल चार्जर। तो दोस्तों ये टिप्स थी चार्जिंग के ऊपर। अब आते हैं बैटरी लाइफ के ऊपर कि आप अपनी बैटरी हेल्थ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। आप जब भी अपना फ़ोन चार्ज करते हो तो 100% तक चार्ज करते हो, फिर उसको यूज़ कर करके जब वो 20% 10% 5% हो जाता है तब उसको फिर से चार्जिंग में लगाते हो, जो कि आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने फ़ोन की बैटरी हेल्थ चाहते हो कि आप वो आपको 2-3-4 साल तक आपका साथ दे, तो दोस्तों जब भी आप अपना फ़ोन चार्ज करते हो 80-90% के आसपास चार्ज करो, या 100 भी कर लेते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे ही आपकी बैटरी कम होकर 40-50% के बीच में आती है, आप उसको रीचार्ज करो, फिर से उसको चार्ज करो और कम से कम 80-90% के बीच में ले आओ। अगर आप इस पैटर्न में अपनी बैटरी को चार्ज करते हो तो वो आपको 1000 रिचार्ज तक दे देगी। लेकिन अगर आप वही वाला पैटर्न यूज़ करते हो, यानी कि 100% चार्ज करके फिर जब बिल्कुल ज़ीरो हो जाए तब फिर उसको एक बार और चार्ज करो, तो ये आपकी बैटरी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है और ये आपको 500 से 600 ही
रिचार्ज दे सकती है। तो इतना बड़ा फर्क पड़ जाता है, इतना ज्यादा डिफरेंस आ जाता है दोनों के बीच में। और दोस्तों बैटरी हेल्थ को बनाए रखने के लिए मंथ में एक बार बैटरी को 100% तक चार्ज करना चाहिए, प्लस उसको पूरा खत्म होने दो, बिल्कुल जीरो हो जाने दो, और उसको फिर से एक बार 100% तक चार्ज कर लो, तो वो बैटरी की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। और इसी के साथ साथ अगर पॉसिबल हो तो हर हफ्ते हर 7 दिन में एक बार अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करके ऑन करना चाहिए, जिससे फ़ोन थोड़ा सा रिफ़्रेश फील करता है, जैसे हम लोग नहा के फील करते हैं। देखिए, अगर आपके फ़ोन में एमोलेड डिस्प्ले है या फिर OLED डिस्प्ले है, तो दोस्तों आपके फ़ोन में एक बहुत अच्छी चीज़ है, सिंपली आप अपने फ़ोन का जो वॉलपेपर है वो एकदम डार्कन वॉलपेपर लगाओ, जिससे आपको बैटरी बैकअप में काफ़ी ज़्यादा फर्क देखने को मिलेगा। अगर आप एक बहुत ब्राइटर वॉलपेपर लगाते हो तो आपकी बैटरी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, बट एक डार्क वॉलपेपर लगाने से आपको बैटरी में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो एक और चीज़ जो काफ़ी सारे लोग करते हैं कि वो अपने फ़ोन का ऐप स्विच ऑन करके और जितने भी बैकग्राउंड में ऐप्स यूज़ हो रहे होते हैं उन सबको किल कर देते हैं। हम सोचते हैं कि वो हमारे बैट फोन के लिए बहुत अच्छा होगा कि यार हमारे फ़ोन का जो भार है वो थोड़ा कम हो जाएगा, बट दोस्तों ये हमारी सोच यहाँ पे बिल्कुल गलत हो जाती है, क्योंकि दोस्तों अगर आप उस ऐप को किल करने के बाद फिर से वही ऐप खोलते हो तो आपके फ़ोन की परफॉर्मेंस को और ज़्यादा काम करना पड़ता है, आपके फ़ोन के प्रोसेसर को और ज़्यादा काम करना पड़ता है उसको रीओपन करने में। तो दोस्तों ये जो करते हो वो बहुत गलत करते हो, मत किया करो, डायरेक्ट अपने ऐप स्विचर से ऐप को स्विच करके और सीधा अपना ऐप यूज़ किया करो, इससे आपकी रैम में भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, आपके फ़ोन का लोड आप कम नहीं कर रहे हो उल्टा बढ़ा रहे हो। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे क्लिक करते हो तो नीचे आपको काफ़ी सारी अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको अलग 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 सेक्शन में काफ़ी सारा कंटेंट मिल जाता है, जेल ब्रेकिंग को लेके, वीडियोग्राफी को लेके और टिप्स एंड ट्रिक्स को लेके और गैजेट्स को लेके काफ़ी सारा यहाँ पे कंटेंट है, तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हिट दैट लाइक बट, और दोस्तों मेरी वेबसाइट techistan.in को चेक करो, उसमें भी काफ़ी सारा कंटेंट मिल जाएगा, इसी के साथ मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करो, तो हिट द बेल आइकन ताकि मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।